अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सलाम सलाम, क्या नाम दिया? आपको बड़ा पूर्ण ध्यान श्वास पर, नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए, जितना पीछे ले जा सकते पीछे ले जाए। दायां पैर दो हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाए, पर्वतासन की स्थिति। कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। दाहिने की ओर दृष्टि। छह, अष्टांग नमस्कार। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डे। आठ, दो पैर, दो घुटने, दो हाथ, छाती और ठुड्डे। अष्टांग नमस्कार। सप्त, सात, आगे की ओर श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। आठ, पूर्व पर्वतासन। जो अपने घरों में ऑनलाइन रेडियो नेटवर्क के माध्यम से इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। जन्म जयंती के पावन अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवस को योग दिवस के रूप में घोषित किया है और मोदी जी ने इस योग को देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर छोड़ा है और आज उसी कड़ी में पूरे देश के अंदर युवा दिवस के मौके पर योग के कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भी योग के कार्यक्रम आज इस अवसर पर हुए हैं और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक समय में एक साथ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे लाखों बच्चों ने इसके अंदर भाग लिया, हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया, जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और निश्चित तौर पर हमारे बच्चों में और जनप्रतिनिधियों में और अधिकारियों में योग की भावना जागृत होगी। योग से हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, हमारी मानसिकता भी ठीक होती है और इसका लाभ हम स्वयं को तो मिलता ही है, हम जिस फील्ड में काम करते हैं उन सबको भी लाभ मिलता है। इस योग दिवस और युवा दिवस के अवसर पर मैं सभी देवासवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और युवाओं से आह्वान करता हूँ कि वो सब लोग भी योग को अपने जीवन के अंदर उतारें। प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में समस्त मध्य प्रदेश के स्कूल विद्यालयों में आज युवा दिवस का कार्यक्रम योग दिवस के रूप में मनाया गया है। आज हमने यहाँ पर सूर्य नमस्कार यहाँ सब जनप्रतिनिधियों के साथ किया है। स्कूली बच्चों ने, पूरे प्रदेश भर के लाखों बच्चों ने एक साथ एक टाइम पर सूर्य नमस्कार और योग यहाँ पर अपनी क्रिया की है। निश्चित रूप से योग अपने जीवन में स्वस्थ शरीर को बनाने में सहायक होता है और स्वामी विवेकानंद जी का जो उद्घोष था, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, उस भाव को जागृत करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है, उसी भाव को